नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको मेरे पुराने वीडियोस पसंद आए होंगे। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल क्लासेस सीरीज का लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्लिप्टिक क्या होता है, यानी वो मार्ग जिस पे सूर्य हमें घूमता हुआ प्रतीत होता है वो एक्लिप्टिक होता है। फिर आपको बताया था कि जोड़ियक क्या होता है। जोड़ियक एक ऐसी बेल्ट है 360 डिग्री की जो सोलर सिस्टम को कवर करती है। फिर बताया था जोड़ियक साइन क्या होते हैं, और जोड़ियक के 12 हिस्से अगर करे जाएं तो उसके जो 12 पार्ट हैं, 12 राशियां कहलाती है, जिनको हम जोड़ियक साइन बोलते हैं। फिर उनकी वैल्यू कितनी होती है वो मैंने आपको उसके बारे में बताया था। ये मेरा लेक्चर 4 है, इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राशियाँ की करेक्टरिस्टिक क्या है, और उन करेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम एक बेसिक आइडिया किसी के बारे में, किसी के नेचर के बारे में क्या लगा सकते हैं। तो राशियों के प्रकार होते हैं, करेक्टरिस्टिक होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनके, वो हैं नेचर है इनकी कैसी राशियों की। तो करेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि जैसे हम लोग राशि लिखते हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये हमने नंबर लिखा हुआ है कहीं पे कि ये पहली राशि है, तो इसका मतलब ये मेष राशि है। या 8 लिखा हुआ है तो 8 नंबर राशि का मतलब हुआ ये वृश्चिक राशि है। 12 नंबर का मतलब हुआ ये मीन राशि है। तो इन राशियों को डिफरेंट सिस्टम्स में, डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया गया है ज्योतिष के पर्पज से, और उसमें बताया गया है कि इनकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी हम लोग, हालांकि अभी आपको मैं आगे समझाऊंगा आप डिटेल के अंदर इसका, कि नॉर्मली हम किसी से पूछते हैं कि भैया आपका लग्न क्या है या आपकी राशि क्या है, तो वो कहता है कि मेरी राशि वृष है या मेरी राशि सिंह है कुंडली से देख के। तो उसका क्या मतलब है, मतलब क्या चीज। सिंह तो आप समझ गए जो मैंने आपको दिखाया था कि 12 अपार्टमेंट से। अब सिंह क्योंकि वो जो पिक्चर है, जो पार्ट है सिंह वाला, वो डिपेंड रिप्रेजेंट करता है एक शेर के पूंछ को और एक शेर के चिन्ह को, तो इसका मतलब जो सिंह है उसकी करेक्टरिस्टिक, शेर की जो करेक्टरिस्टिक है वो इस संसार के अंदर मानी जाती है कि वो उसमें आ गई है। तो वो अब ये जैसे मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, जैसे ये राशियों को हमने यहाँ डिवाइड किया 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। तो 1, 5 and 9 ये जो राशियां हैं, पहली, पांचवी और नौवीं धनु, ये तीनों राशियां फायर, अग्नि राशि कहलाती हैं। दो, छह, दस ये राशियां आपकी अर्थ, पृथ्वी राशि कहलाती हैं। ये राशियां आपकी 3, 7, 11 वायु कहलाती हैं, और ये राशियां आपकी जल राशि कहलाती हैं। ये करेक्टरिस्टिक है, ये ज्योतिष में इन चीजों को नाम दिए हुए हैं कि किसी की राशि अगर 1, 5, 9 यानी कि मेष होगी, सिंह होगी या धनु होगी, तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक है, वो तत्व है उसका, वो अग्नि तत्व की राशि है। वो अग्नि तत्व मीन्स के ऐसा व्यक्ति जिसकी राशि इन तीनों में से एक है वो थोड़ा एग्रेसिव है उसके अंदर, मतलब अग्नि तत्व है उसके अंदर। तो अग्नि तत्व की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे अग्नि बहुत प्योर होती है तो अग्नि बड़ा प्योर भी होता है, अग्नि हर चीज़ों को जला के राख कर देती है, इसका मतलब ऐसा आदमी हर तरह की चीज़ों को, हर जो चीज़ों को उन्हें समाप्त कर देता है और हमेशा अंदर से बहुत प्योर रहता है, अंदर से सच बोलने की कोशिश करता है। दूसरा, लेकिन अग्नि से ये भी होता है कि अग्नि जलाती है आदमी को, तपाती है, तो इससे ये भी होता है कि जो अग्नि प्रकृति वाला इंसान होता है जिसमें अग्नि तत्व है, जिसकी राशि इनमें से है, वो थोड़ा एग्रेसिव भी होता है, क्रोध वाला भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो राशि है, जब राशि की करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बताते हैं कि इस राशि का व्यक्ति किस तरह का होगा, तो वो डिपेंड करता है कि वो राशि की करेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, वो राशि अग्नि राशि है या कौन सी राशि है। अब जैसे इसको अग्नि कहा हमने, इसी प्रकार से इन्हीं 1, 5, 9 राशियों को हम क्षत्रिय राशि भी बोलते हैं, ये ब्राह्मण राशि कहलाती है हमारी, ये शूद्र राशि कहलाती है, ये वैश्य राशि कहलाती है। तो इसमें क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी राशि मेष धनु होगी हो, वो इंसान थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है लेकिन अंदर से प्योर भी हो सकता है, एंड क्षत्रिय यानी निडर होगा।
जिसकी राशि 2, 6, 10 यानी कि 2, 6 वृष कन्या और 10 मकर, जिसकी राशि 2, 6 और 10 होंगी, वो पृथ्वी, पृथ्वी की क्या करेक्टरिस्टिक है? स्टेबिलिटी, कि पृथ्वी की तरह वो हमेशा स्टेबल होगा, पेशेंस होगी उसके अंदर, कहते हैं ना धरती माता की पेशेंस बहुत ज़्यादा है, तो पृथ्वी की तरह वो स्टेबल होगा, पेशेंस उसके अंदर होगी, बट कैलकुलेटिव होगा, वैश्य, वैश्य जो वर्ण विचार किया हुआ है, बट ही विल बी कैलकुलेटिव। तो आपने ये देखा कि इन चीज़ों से, इन करेक्टरिस्टिक्स से किसी भी राशि के बारे में आप कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वो कैसा होगा। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक ये बताया था कि मेष, इसमें आपको बताता हूँ मैं, ये आपने मेढ़ा देखा होगा, या मेढ़ा या भेड़ देखी होगी, उस तरह का होता है ये, बैल या सांड ऐसा तरीके का होता है। मिथुन आपका दो एक जोड़ा होता है, एक स्त्री और पुरुष का, कर्क केकड़ा होता है, सिंह का तो आप जानते ही हैं शेर, कन्या में कन्या हो गया, तुला में एक तराजू का टाइप का होता है इसलिए इसको तुला बोला गया है, वृश्चिक जो है वो एक बिच्छू के टाइप का होता है इसलिए उसे वृश्चिक पार्ट बोला गया है, धनु में एक इंसान है, आधा इंसान है और आधा घोड़ा है, आधा इंसान और आधा घोड़ा ऐसा चित्र आता है मन के, आधा घोड़ा, नीचे का हिस्सा घोड़ा है, ऊपर का हिस्सा इंसान है और वो हाथ में धनुष लिए हुए है। तो मकर जो है वो मगरमच्छ है, कुंभ एक जल का घड़ा है, मीन दो मछलियां हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि राशियों के डिफरेंट जोड़ियक में डिफरेंट पार्ट किए गए थे 12 पार्ट, और उन राशियों को नाम दिया गया था, वो राशियों को नाम दिया गया था उस तरीके से कि वो कैसे पिक्चर को प्रेजेंट करती हैं, कैसे तारों का समूह वो हैं, उनके हिसाब से उनका नाम दिया गया था। अब इसमें अगर आप ये देखना चाहें तो अब देखिए, इसमें करेक्टरिस्टिक निकालना चाहें तो देखिए, मेष या वृष, वृष जो होता है बैल, बैल अथवा सांड का भी नाम होता है, तो क्या करेक्टरिस्टिक हुई, यानी जिसकी राशि वृष होगी वो इंसान, ये मत सोचिए कि बैल और सांड हो जाएगा, लेकिन मतलब ये है कि वो इनकी तरह होगा, अपने काम से काम, अगर आप उनको परेशान करेंगे तब वो आपके पीछे पड़ जाएगा, तब नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए ऐसा आदमी जो होता है वो हमेशा अपने काम से काम रखने वाला होता है, लेकिन वो जब परेशान किया जाए उसको तो पीछे पड़ जाता है। दूसरा, वृष क्या है? वैश्य राशि है, इसका मतलब वो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, वैश्य राशि कर्म के हिसाब से कैलकुलेटिव होगा। वैश्य राशि क्या, वृष राशि क्या है? वृष राशि आपकी पृथ्वी राशि भी है, पृथ्वी तत्व है इसके अंदर, तो पृथ्वी तत्व होने से क्या हुआ, ये आपका तत्व है और ये आपका वर्ण है, वर्ण। तो पृथ्वी तत्व होने से क्या हुआ कि ये स्टेबिलिटी इसके अंदर होगी, ऐसे इंसान के अंदर पेशेंस होगी। तो अब आप ये देखिए कि हम आइडिया लगा रहे हैं इस चीज से मोटा मोटा कि जिसकी राशि वृष है, जिस इंसान की या जिस नेटिव की या जिस जातक के बच्चे की राशि वृष है, वो थोड़ा सीधा चलने वाला होगा, लेकिन अगर उसको परेशान किया तो परेशान करेगा आपको, निडर होगा, वो वैश्य होगा, कैलकुलेटिव होगा, स्टेबल होगा, पेशेंस रखने वाला होगा। तो इसी तरीके से बाकी राशियों की भी आप इस करेक्टरिस्टिक को इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। तो ये डिवाइड किया हुआ है, और इसमें एक चीज़ मैं आपको छोटा सा और बता दूँ, इम्पॉर्टेंट जरा सा, कि इसमें जो हमारी जितनी भी और राशि हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी राशि हमारी पुरुष राशि कहलाती हैं, मेल, और जितनी भी हमारी ये राशि हैं, इवन राशि हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हमारी फीमेल राशि कहलाती हैं, स्त्री राशि कहलाती हैं। तो ये मेल राशि हैं, ये फीमेल राशि हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक इनके अंदर हो गई। तो इन छोट इन चीज़ों से, हालांकि ऐसे अभी इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं राशियों के अंदर, जैसे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ एक और, इसमें आपको आइडिया मैं दे देता हूँ राशि के अंदर। तो जैसे ये तो मैंने आपको बताया था, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चर, स्थिर, द्विस्वभाव, इसको यहां इंग्लिश में बोल सकते हैं मूवेबल,
स्टेबल डबल माइंडेड जैसी होगी आपकी। राशियों की एक करैक्टरिस्टिक ये भी है, यानी जो एक राशि, चार नंबर राशि, सात नंबर राशि और दस नंबर राशि, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये जो राशियां हैं ये चर राशि कहलाती हैं। चर मीन्स मूवेबल, यानी ऐसी राशियों के लोग हमेशा चलायमान होते हैं, उनका माइंड हमेशा चलायमान होता है, वो हमेशा भागा दौड़ी वाला काम करने चाहते हैं, देन दे आर वेरी एक्टिव। ऐसे लोग हमेशा मार्केटिंग के अंदर बड़े फेमस रहते हैं, क्योंकि उनको जगह जगह जाना पड़ता है। ये जो राशि है 2, 5, 8 और 11, 2 मीन्स वृष, 5 मीन्स सिंह, ऐसी राशि के लोग स्थिर स्वभाव के होते हैं, ये राशि स्थिर कहलाती है। स्थिर मीन्स के ऐसी राशि के लोग एक जगह रह के काम करना पसंद करते हैं, बहुत काम करने वाले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक ही जगह के कर रहकर काम करने वाले होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भागदौड़ी का काम पसंद नहीं है। तो ऐसे लोगों को ऑफिशियल वर्क के अंदर आप लगाएं, मतलब मार्केटिंग में ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, तो ये लोग बेस्ट रिजल्ट देते हैं। द्विस्वभाव राशि वाले जो लोग होते हैं, वो दोनों चीज़ उसके अंदर क्वालिटी होती है, मतलब कुछ क्वालिटी उनके अंदर चर की होती है, कुछ क्वालिटी उनके अंदर स्थिर की होती है, यानी वो भागदौड़ी वाला काम भी ठीक पसंद करते हैं, बैठे रहना भी पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है, कभी वो उसका सोचते हैं कि ऐसा कर लेते हैं, कभी सोचते हैं कि ऐसा कर लेते हैं। तो अब देखिए, एक ही राशि से आपने आइडिया लगा लिया, जैसे हम बात करते हैं अभी इसकी, आप सपोज कीजिए कर्क राशि की, कर्क राशि की हम बात करते हैं, तो कर्क राशि क्या है? कर्क राशि हमारी, इसमें अगर नंबर देखें आप 4, यहां ब्राह्मण वर्ण आता है उसका, ब्राह्मण मीन्स पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा थोड़ा ज्ञानी होते हैं, ज्ञान देने वाले होते हैं, और समाज में माने जाते हैं, उनको एक स्थान अच्छा दिया जाता है, जहाँ बैठते हैं उनकी बातों सुनकर लोग प्रभावित होते हैं। फिर इसके साथ साथ ये जल तत्व भी है। अब जल तत्व क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आंसू आ गए आँखों में, तो जल तत्व मीन्स कि ऐसे लोग थोड़े भावुक भी होते हैं, उनको कोई कोई बात लग जाती है, तो उनके साथ बोलते हुए हमेशा बातचीत चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, ये लोग जल्दी भावुकता में आ जाते हैं। तो ये करैक्टरिस्टिक हो रही है। फिर इसके साथ साथ कर्क राशि यहाँ क्या है, यहाँ देखें तो चर राशि है, ये जो है बहुत चलायमान टाइप के होते हैं, हमेशा घूम के काम करने वाले होते हैं। तो देखिए, एक ही चीज़ से आपको डिफरेंट डिफरेंट मालूम चला, और 4 नंबर यहाँ पे क्या है, ब्राह्मण हो गया, 4 नंबर इधर क्या है, यहाँ आपका कर्क हो गया। तो एक ही चीज़ से इस तरह की केकड़ा, जैसे कर्क मीन्स केकड़ा, तो केकड़ा की क्या क्वालिटी है आपने देखा होगा, जैसे आपने एग्जाम्पल भी सुना है कि एक बॉटल में 2-3 केकड़ा आपने डाल दिए और उनको वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरा उसको पौड़े पीछे खींचता है। तो ऐसे लोग जिनकी राशि कर्क होती है, उनमें मतलब नेचर ये भी होती है कि यार मुझे भी बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हें पकड़ के खींचूंगा मैं। और कर्क इसके अंदर आ गया आपका ब्राह्मण, तो ऐसे लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, और जहां बैठते हैं वहां अपनी बातों से प्रभावित करते हैं। कर्क जल तत्वी हो गया, इसका मतलब ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं और जल्दी भावुकता में बह जाते हैं, इनका इमोशनल क्वोशेंट थोड़ा ज्यादा होता है। 4 नंबर चर राशि में है, यानी ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा मूवेबल होते हैं और घूम के और क्योंकि काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये राशियाँ, आपकी सारी राशियाँ जो मैंने बताई आपको हुई, और ये मैंने बताया आपको कि यहाँ पे पुरुष राशि कौन सी है, जितनी भी ऑड नंबर की राशि हैं, जितनी इवन नंबर की राशि हैं, तो पुरुष का आप जानते ही हैं थोड़ा अकड़ के चलने वाला, तो इस तरह की जो राशि के लोग होते हैं वो थोड़ा हमेशा अकड़ के चलने वाले होते हैं, और इस तरह की राशि के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, जिनकी स्त्री राशि होती है, क्योंकि स्त्री सॉफ्टनेस की निशानी होती है। तो ये आपका राशियों के बारे में हुआ, और करैक्टरिस्टिक उनका हुआ, और कितनी वैल्यू हुआ, वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि एक जो बेल्ट थी उसकी 360 डिग्री टोटल वो है, उसमें 12 पार्ट किए हैं, तो 30 डिग्री की एक राशि हमारी बनती है। तो ये राशि का हमारा इसके अंदर ये हो गया। आशा करता हूँ मित्रों कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मेरा मोटिवेशन बना रहे, और कुछ कमेंट्स भी दीजिएगा, सो दैट मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।